तो और भाई लोग क्या हाल चाल। देखो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन की टोटल 9 मूवी के बारे में। बेसिकली 9 मूवी तुमको 2022 की मार्च महीने में देखने के लिए मिला था या फिर तुमने नहीं देखा था। भाई इस वीडियो के अंदर हम जो 9 मूवी के बात करने वाले है उनमें से कुछ मूवी को तुमने देखा या फिर ना देखा है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर तुमको मिल जाएगा। यानी कि मार्च महीने के अंदर जो सारे मूवी थिएटर के साथ साथ OTT पर रिलीज हुई है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उनमें से कुछ मूवी हिंदी में अवेलेबल है, कुछ मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन तुमको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो मैं तुमको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे आज की इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखते रहना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो दोस्तों ज्यादा बातचीत ना करते हुए हमारे आज के इस वीडियो की काउंटडाउन को शुरू कर लेते हैं कि शुरू करेंगे 2022 में रिलीज हुई मलयालम मूवी नारादन से। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको टॉबी थॉमस, अन्नाबे नायरम्बाला, शरीफ युद्धेन जैसे कलाकार देखने के लिए मिला था। कहानी की बात करें तो मैं कहानी कुछ ऐसा है, टॉबी थॉमस के जो कैरेक्टर यानी कि चंद्र प्रकाश वो एक टीवी एंकर है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन किसी वजह से उसके लाइफ में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब वो सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं और उस सारे प्रॉब्लम से वो कैसे छुटकारा पाते हैं ये सब कुछ जानने के लिए तुमको इस पूरी मूवी को देखना पड़ता है। मूवी को रिलीज किया गया था 3 मार्च OV थिएटर में और ये मूवी तुमको OTT पर देखने के लिए मिलेंगे 8 अप्रैल Amazon प्राइम वीडियो पर, तो जाके देख सकते हो तुम। कि अगले मूवी आती है भीष्म पर्वम जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये मलयालम लैंग्वेज के गैंगस्टर ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको मम्मूटी, अनघा, अनुसय एंड श्रीनाथ फाशी जैसे कलाकार देखने के लिए मिला था। कहानी की बात करते तो कहानी कुछ ऐसा है, मम्मूटी का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था लेकिन अब वो गैंगस्टरगिरी नहीं करती है, लेकिन किसी वजह से उसकी जो गैंगस्टरगिरी है वो वापस आ जाती है। अब ये सब कैसे होते हैं सब कुछ जानने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ता है, जहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया मूवी है। मूवी ने लगभग 115 करोड़ की बिजनेस किया था और ये मूवी 3 मार्च को रिलीज किया गया था OV थिएटर में। तो तुमने अगर देखा है ये मूवी तुमको कैसे लगा हमें बता सकते हो। लिस्ट की अगले मूवी आती है हे सिनामिका जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये तमिल लैंग्वेज की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में तुमको दुलकर सलमान, आदित्य राव हैदरी एंड काजल अग्रवाल जैसे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी कुछ ऐसा है, आदित्य राव हैदरी की जो कैरेक्टर यानी कि मोना वो प्यार कर बैठती है दुलकर सलमान की कैरेक्टर से यानी कि यजन से, लेकिन कहानी आगे बढ़ती जब उन दोनों के प्यार के अंदर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड टर्न आती है। अब वो सब क्या होते जानने के लिए तुमको मूवी को देखना पड़ता है। मूवी को 3 मार्च को रिलीज किया गया था थिएटर में और ये मूवी तुमको 31 मार्च को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएंगे OV ऑफिशियली, तो जाके देख सकते हो। इसकी अगले मूवी आती है मारान जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको धनुष एंड मालविका मोहन जैसे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे। कहानी भाई काफी ज्यादा जबरदस्त तो नहीं है, लेकिन कहानी के अंदर तुमको जो सारा मसाला देखने के लिए मिलेंगे वो भाई ठीक ठाक है, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कार्तिक नारायण ने। भाई वही बंदा है जो कि ध्रुव भंगल पथिनेर जैसे बेहतरीन मूवी को डायरेक्ट किया था, पर उसके बाद से उनकी जितने भी सारी मूवीज आई है वो कोई खास हमको नहीं लगी है। हाँ सच्ची में, जहाँ पर इस मूवी को 11 मार्च में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ऑफिशियल रिलीज किया गया था। तुमने अगर मूवी को देखा है मूवी तुमको कैसे लगा हमें बता सकते हो। कि अगले मूवी आती है इथारकुम थुनिंधवन जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये तमिल लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको सूर्या, प्रियंका मोहन एंड फिनय जैसे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे। कहानी की बात करते हुए कहानी कुछ ऐसा है, सूर्या के जो कैरेक्टर है वो एक लॉयर है और वो पंगा बोल रहे थे मिनिस्टर की बेटे के साथ। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा यानी कि मिनिस्टर का जो बेटा है वो बहुत बड़ा हरामी है, वो लड़कियों की वीडियो बनाता है। तो आगे क्या क्या होते हैं ये सब कुछ जानने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ता है, जहाँ पर इस मूवी को 10 मार्च को रिलीज किया गया था OV थिएटर में। मूवी ने लगभग 180 करोड़ की बिजनेस किया था जो कि बहुत ही बढ़िया था, सच्ची में बढ़िया था। कि अगले मूवी आती है वीरामाई फागाई सोदम जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर क्राइम मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको विशाल, डिंपल हैती एंड बाबूराव जैसे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी कुछ ऐसा है, विशाल के जो कैरेक्टर है कि पोरस वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ पंगा बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गैंगस्टर उसकी बहन को मार देती है। हाँ सच्ची में, अब आगे जो क्या क्या होते हैं सबको जानने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की, तुमको जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी को G5 पर 4 मार्च को रिलीज किया गया था OV ऑफिशियली। तुमने अगर नहीं देखा जाके देख सकते हो। मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मूवी तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल है।
इसकी अगली मूवी आती है आदाफल्लू मीकु जोहार्लो, जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये तेलुगु लैंग्वेज की एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको रश्मिका मंदाना, सारनाथ एंड ब्रह्मानंद जैसे लगा देखने के लिए मिलेंगे। कहानी की बात करें तो भाई कहानी कुछ ऐसा है, सारनाथ के जो कैरेक्टर है चिरंजीवी, वो अपने माँ और आंटी के साथ बड़े हुआ है, लेकिन वो उन दोनों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ते है। अब आगे जाकर कैसे एक लड़की से मिलते हैं जो कि उसकी लाइफ बदल देती है, ये सब कुछ जानने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ता है। भाई मूवी काफी बढ़िया, तुमको जरूर देखनी चाहिए, जहाँ पर यह मूवी 4 मार्च को थिएटर में रिलीज किया गया था। तो तुमने अगर इस मूवी को बाय चांस देखा है तो कैसे है हमें बता सकते हो। की अगले मूवी आती है राधे श्याम, जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये पैन इंडिया की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल तुमको प्रभास एंड पूजा हेगड़े जैसे कलाकार देखने के लिए मिलेंगे। भाई देखो, इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी बढ़िया हिट मूवी थी। भाई मैं तो गलत बोल रहा हूँ यार, ये मूवी हिट नहीं थी, क्योंकि इस मूवी को बहुत ही बढ़िया तरीके से धोपी पाछर मार दिया है कौन दी कश्मीर फाइल्स मूवी ने। हाँ सच्ची में बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी उतनी कोई खास कमाल दिखा नहीं पाया था। जहाँ पर ये मूवी तुमको 11 मार्च थिएटर में देखने के लिए मिला था, तो तुमने अगर इस मूवी को देखा है कैसे लगी है हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। इसकी आखिरी मूवी आती है RRR, जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। ये पैन इंडिया लैंग्वेज की एपिक पीरियड ड्रामा एक्शन मूवी थी, जहाँ पर इस मूवी के लीड रोल तुमको एंटी जूनियर रामाराव, रामचरण एंड अजय देवगन जैसे लगा देखने के लिए मिला था। जहाँ पर मूवी को डायरेक्ट किया था SS राजामौली ने। ये मूवी इतनी बढ़िया थी कि भाई पूछो ही मत। इस मूवी की बजट लगभग 500 करोड़ के आसपास, जहाँ पर ये मूवी ने सिर्फ 5 दिन के अंदर 650 करोड़ के आसपास की बिजनेस किया है। भाई देखो कितनी बढ़िया है। इस मूवी को 25 मार्च को रिलीज किया गया था थिएटर में। तो भाई अगर तुमने देखे कैसे लगा हमें बता सकते हो। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, चलो निकलो।